नमस्कार आदाब, मैं हूं अफजाल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अफजाल व्लॉग वाले। दोस्तों फिलहाल मैं अभी खड़ा हूं खरगोपुर थाना डिस्ट्रिक्ट गोंडा में, और यह ऐसा मामला हमारे साथ है। सारे पब्लिक लोग खड़े हैं क्योंकि एक ये जो भाई है, ये जो है इनका कहना है दो पक्ष है, तो जहाँ अभी फिलहाल रह रहे हैं आप है ना, और दूसरे पक्ष वाले ये हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे भाई हैं। तो 20 साल के बाद इनको ये मिले हैं, और दोनों लोगों का आपस में ये कहना है, वो कह रहे हैं कि हमारा आदमी है, वो कह रहे हैं हमारा आदमी है। तो दोनों तरफ के लोग हैं, हम डायरेक्ट बात करेंगे इनसे, क्या कुछ माजरा है। पहले ये बताइए आप, आपके भाई हैं ये, आपका नाम क्या है? जमाल अहमद। कहाँ रहते हैं आप? मंडीवा। तो ये कौन है आपके भाई हैं? क्या नाम है इनका? और आपका क्या नाम है? जमाल अहमद। तो क्या कहना है आपका, इधर आइए, आपका क्या कहना है? भाई हैं आप, इनको लेना चाह रहे हैं? जी थोड़ा नहीं लेना चाहिए। तो कितना दिन के बाद ये मिले हैं? 20 साल। तो हम आइए असल में थोड़ा मेंटली है, दिमाग से थोड़ा सा वो है, इसलिए ऐसा बक रहे हैं आप लोग, माइंड नहीं करिएगा। तो आप लोग अभी ये कहाँ मिले आपको, कैसे पता चला? जिसना पर कटैया माँ मिले हैं। तो आप एक साला है, वो बताया फोन करके मेरा। अच्छा, वो भी अच्छा। तो फिलहाल इनको किसी ने बताया था कि यहाँ पर आपका भाई है जो गायब है, फिर उसके बताए हुए थे ये गए हैं और बोल रहे हैं कि जो है ये हमारा भाई है। फिलहाल मैं अभी थाने पे हूँ, खड़ा हूँ, पीछे हमारे देख सकते हैं यहाँ पे साहब लोगों ने जो भी बातचीत पूछा है आपस में, तो क्या कहना है कि ये लोग वो जो लड़का है उनको पहचान नहीं पा रहा है और उनको गाली दे रहा है। तो इस तरह से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अभी पेपर वर्क होगा, उसके बाद में आगे जाएगा DM के पास, गोंडा DM, फिर वहाँ से आदेश होगा, तो DNA टेस्ट होगा। लेकिन फिर भी हम पूछते हैं इनसे जो जिसके पास अभी रह रहे हैं। बताइए आपका नाम क्या है? अच्छा, और आपका गांव कहाँ है? सालपुर। तो ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है, इनका नाम क्या है? रिजवान मोहम्मद। ओके, तो ये तो कह रहे हैं कि ये हमारा भाई है, तो ये मालूम है ना। तो आपके जो बड़े भाई हैं, तो आपसे ये बड़े हैं एकदम, इनसे भी बड़ा है? इनसे भी बड़ा है। तो जैसे आप छोटे हैं, जो इनसे बड़े होंगे उनसे बात करते हुए ज्यादा लगेगा। अच्छा, तो ये पक्का आपके भाई हैं? इनकी शादी हो गई कि नहीं? हमारे भाई की शादी नहीं हुई, हमारा शादी हुआ है। अच्छा, इनके भी शादी नहीं हुई? इनकी शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं किया गया? अच्छा, तो आप कितने भाई हैं टोटल? नौ भाई हैं इनको लेके। और आप कितने भाई थे? दो भाई, आप और ये है ना। तो इनकी शादी हो गई थी पहले? शादी हो गई थी, दो बच्चे थे। वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी वाइफ भी होंगी, आए हैं यहाँ पर, बुला लीजिए भाई, बुलाओ उनके वाइफ का बुलाओ। वो मानसिक थोड़ा सा दिमाग सही नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं अभी पेपर वर्क होगा, ये आगे जाएगा, ये इससे बात कराओ, ये बोल के बताएगा। आप बताओ भाई, किसका भाई है? आपका घर क्या नाम, आपका नाम क्या है? नहीं बताता। रमजान। ओके, और आपका घर कहाँ है? कानपुर। सालपुर। और आपके कितने भाई हैं? आठ, नौ। अच्छा, नौ भाई है, ठीक है। तो ये तो कहा था कि हमारे भाई हो, झूठ पर झूठ। अच्छा, बाप का ना पूछो, आपके बाप का क्या नाम है? पाचू दलजी। सही बता रहा है, लड़का हो तो सही बतावत है। तो हम वहाँ गांव में पता करें? हाँ, पता कर लीजिए। यही पाटल हो जाए गाँव में, पहली बात आप लोगों को ये करना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों की राय लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। आप लोग झगड़ा करेंगे हम चले जाएंगे, झगड़ा नहीं, आपको झगड़ा नहीं करना, हमारा हेल्प करेगी पुलिस प्रशासन है ना, पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्या परेशानी है? नहीं, जो भी काम होगा कानूनी कार्रवाई होगा। तो जो बोला वो बोल रहे हैं, अभी आप लोग ना उनको नहीं पहचान पा रहे हैं,
लेकिन जो भी डीएनए का टेस्ट होगा ऑर्डर होगा वो होगा, झगड़ा नहीं करिएगा, झगड़ा करेंगे हम चले जाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। बोले दो कहाँ की है, कुछ उससे बताया था, कहाँ की रहने वाली है। और आपकी अम्मा कहाँ के रहने वाले हैं, माँ आपकी माँ है, पूछो इनसे इनका हम क्या हम मामी मामी हुए मामा मामा हुए मामा का नाम है क्या नाम है आपका सुलेमान कौन है भैया है ना भाजा है ना अरे वो हमारे सबके यहाँ आवाज जाते हैं भाई हर वक्त खाना पीना आप लोग के गांव के हैं ना हमारे नंद का लड़का हुआ है। अच्छा हकीकत हमारे नंद का लड़का यहाँ से काम पर लिख दिए पूरा और जानकारी लिखो चले और वहाँ पूछो अगर वो वहाँ 500 मने वहाँ से अगर 50 मने के दिन के लड़का है क्योंकि ये वीडियो जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, ये लोग डिसाइड करेंगे। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि सच्चाई क्या है, बाकी यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ रहे हैं, जिस गांव में वो लड़का रहता है ये पूरे लोग कह रहे हैं कि वो बंदा उसी के गांव के लोग बताओ कि हमारे लगभग दो या चार कोनो साबूत हमें दिए साबूत कोई साल हो गया है। आप लोग सोच सकते हैं 20 साल के बाद ये बंदा अभी मिला है, इनका कहना है कि ये मेरा भाई है, लेकिन जिस गांव में रह रहा है वहां के गांव वाले पूरे यहां पर खड़े हैं, सब लोग कह रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं यहां पर, जवान लोग ना आए जवान भी है, सब लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव के हैं। चलो गांव में भी पता करो, नहीं तो मत मतलब ये है कि आप अकेले हैं, दबाव नहीं बना रहा, आपके ऊपर दबाव कोई नहीं बना रहा, नहीं सही बात है, वो कह रहे हैं आप साबूत तो दो, साबूत जो है आपके पास सबूत है, वो सबूत में पासपोर्ट था और क्या था, उनका कहना है कि दो सबूत था, पासबुक और पासपोर्ट बस, और कोई सबूत तुम्हारे पास क्या क्या निकला है बताओ, आधार कार्ड है, अच्छा आधार कार्ड है, पिन कार्ड वो पहचान पत्र और वो निर्वाचन देख लो सब कैमरा उम्र बताओ, मन उम्र पढ़ के पूरा बताओ, उम्र बताओ, वैसे तो हम जानी थे 42 में पैदा भाई, 82 में पैदा भाई, नाम है रिजवान, पिता नाम अली अहमद है ना, अली अहमद, और आपके पिता का क्या नाम है, निजाम अहमद, इनका कहना है कि निजाम अहमद नाम है, लेकिन इसमें जो है पास ये है पहचान पत्र वोटर आईडी जिसको बोलते हैं, इसमें है अली अहमद पिता का नाम, जी जी, ये राशन कार्ड का, और ये राशन कार्ड का भी फोटो इनके पास है, मतलब इनके पास पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर है और एविडेंस के साथ में आए हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, ज्यादा सवाल नहीं करता हूं, क्योंकि ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, जो भी फैसला किए हैं अंदर साहब लोग उस पे आप लोग अपने अपने घर जाइए, बाकी इसका रिपोर्ट जाएगा आगे डीएम साहब के पास, वहाँ वो लोग आदेश करेंगे, फिर इसका डीएनए टेस्ट होगा, आपको साल पूरा कर चेक करना पड़ेगा, आओ दादी आओ, दादी हमारे पास आई है, ये आपके कौन है, वो कहाँ गए, ये हमारे भाई ने हुए, ठीक है, तो आप बुजुर्ग आदमी हो तो इनके बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे जानत हो, है ना, सही बात है, तो यही लोग कहा था, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर का हमारा भाई है, तो इसमें क्या आप गलत है ना, अच्छा कभी कभी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, एक जैसे लोग दिख जाते हैं तो इस देश पे भी लोग कहने लगते हैं कि हमारा भाई है, लेकिन अगर पेपर वर्क देखा जाए, बाकी यहाँ बुजुर्ग लोग भी हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उनको सारी जानकारी उनके बारे में है, बता दो हाँ, ये प्रधान जी से समझ लीजिए, और हमारे हमारे पास जो है प्रधान जी आ गए हैं, आप बता दो आपका एड्रेस,
सालपुर से मेरा क्या बोलेंगे जो मीटर है ये कोई कह रहा है कि हमारे गांव के हैं जो ये कह रहे हमारे भाई हैं तो आप जो है प्रधान हैं तो आपने इनके बारे में क्या ज्यादा क्या गाँव में जी और ऐसे अच्छा कई दिन से अच्छा आप कौन जवाब बाकी तो भाई आप इसी वजह से ना और ये हमारे गांव में पैदा हुआ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 100% वहाँ इसको जानते हैं। अच्छा तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया जो भी सच्चाई था मैंने आपको लाइव दिखाया। अब इस वीडियो को यहीं पर करता हूं एंड और वीडियो में कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। बस बंद कर दो।